भैया ये अपडेट वर्जन 4 है ना? हाँ जी। हाँ तो इससे जुड़े मेरे कुछ सवाल है। बली बोलिए। ओवरप्राइज है, कोई नया अपडेट नहीं है, डुअल चैनल एबीएस नहीं है, टीसीएस का लॉलीपॉप पकड़ा दिया, पीछे वाली बैक लाइट हिलती है इसकी, क्या है ये? नहीं हिलती। हिलती है? नहीं हिलती। अरे भाई साहब मेरी बाइक नहीं हिलती। हिलती है। अरे नहीं हिलती, मैंने बोला हिलती है। तू है कौन? कौन है तू? है ऐसे सवालों को जवाब देने के लिए हम ले आए हैं आपके लिए आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस का एपिसोड नंबर 5। सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बार वापस पांचवी बार आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट दिस ब्यूटीफुल एंड सेक्सी यामाहा ZS वर्जन 4। तो भाई सर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें। सिर्फ 5% लोग सब्सक्राइब करते हैं, हमें इस परसेंटेज को धीरे धीरे बढ़ा के 10% तक लेके जाना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल या मैं ZS वर्जन 4 से रिलेटेड और बाकी बाइक से रिलेटेड भी वीडियो में इसके ऊपर डालता रहता हूं, ठीक है? तो चलो लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। तो चलो गाइस यार अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है FZ वर्जन 4 का सीट बड़ा है या एक्सट्रीम 164 वी डुअल ABS न्यू वाला का सीट बड़ा है? भाई FZS वर्जन 4 का सीट थोड़ा बड़ा है, उसका हीरो का सीट जो है वो थोड़ी सी पतली है, इसकी चौड़ी ज़्यादा है, तो आपके नितंबों को थोड़ा मतलब ऐसा यूँ है ना ऐसे करके थोड़ा ज़्यादा एरिया मिलेगा सपोर्ट के लिए, ठीक है? उसकी थोड़ी सी पतली है। ओके, इसका अपडेट कब आएगा? गियर पोजीशन इंडिकेटर एंड डुअल चैनल ABS। भाई नो आइडिया, मैंने डीलरशिप पे भी पूछा था, उन्होंने बोला सर इस साल तो नहीं आने वाला, ठीक है? और इसका एक और अपडेट है, मतलब अपडेट तो नहीं है पर बाहर आता है वो, उसके अंदर आगे वो क्या बोलते हैं उसको प्रोजेक्टर हेडलैम्प आती है, ठीक है? तो वो इसका वर्जन 5 नहीं है क्योंकि उसके अंदर स्क्रीन छोटी है, मे बी वो इंडिया में आ जाए वर्जन 5 पर अभी फिलहाल तो कोई चांस नहीं है। उसके बाद में आता है इससे लेने के बजाय इसका बेस मॉडल ले लूँ, कंसोल ब्लूटूथ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ट्रैक्शन कंट्रोल डील ब्रेकर है? मैं ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता, सो मैंने SP125 लेने का मन किया था, बस इसका मोटा टायर के लिए और डुअल डिस्क विथ सिंगल ABS 1.35 लाख में क्या लूँ या SP150 पे स्टिक कराऊँ? भाई पहली बात तो इसका बेस मॉडल जो है वो वर्जन 4 ही आता है, बस इसके बेस स्टैंडर्ड और डीलक्स में इतना फ़र्क है कि डीलक्स के अंदर आपको कलर्ड व्हील्स मिलते हैं जैसे इसके अंदर ब्लू कलर के हैं, और जो स्टैंडर्ड वाला वेरियंट है उसके अंदर आपको काले पहिए मिलते हैं, ठीक है? जो आप बात कर रहे हो दैट इज़ वर्जन 3, इससे पुराना वाला मॉडल है, वो बेस मॉडल नहीं है, ठीक है? और अगर आप वो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है तो आप SP125 भी ले सकते हो, वो भी अच्छी बाइक है, माइलेज आपको अच्छा निकाल के दे देती है, ठीक है? बट अगर आप वर्जन 3 और वर्जन 4 में पूछोगे तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप ये लो, ठीक है? क्योंकि वर्जन 3 और वर्जन 4 में अपग्रेड माना 15-17 शायद 18 something हज़ार का फ़र्क है दोनों बाइक्स में, बट इसके अंदर आपको बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ठीक है? आपको LED टेल लाइट मिल जाएगी, ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है जो कि काम करता है, भाई बारिशों में हेल्प करता है काफ़ी, मेरी पर्सनली काफ़ी हेल्प करी है क्योंकि कोई कोई ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पे हम कहते हैं ना वो गारा सी बन जाती है, तो वहाँ पे भाई ट्रैक्शन कंट्रोल काम आता है, ठीक है? तो इसलिए ट्रैक्शन कंट्रोल हेल्प करता है, आपकी बाइक को स्लिप नहीं होने देता। तो मैं तो आपको कहूँगा आप यही लो, बट अगर आप इतना बजट एक्सटेंड नहीं कर सकते 160-150 के आसपास तो आप SP125 भी ले लो, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बाइक, ठीक है? उसके बाद में आता है RTR 162V और FZS वर्जन 4 कौन बेटर रहेगा? पिछले अपने 4 Q&A से बोल रहा हूँ भाई, TVS मेरे हिसाब से वेरी 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 बैड इन हैंडलिंग एंड रिफाइनमेंट, ठीक है? तो मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करूँगा TVS के लिए, बाकी आपकी मर्जी। ओके वासु भाई, मैं कुछ दिनों में FZ लेने का सोच रहा हूँ, मैंने FZ FI वर्जन 3 ग्लॉसी ब्लैक वाला वेरियंट चूज़ किया है, क्या मुझे वर्जन 4 लेना वर्थ रहेगा बिकॉज अराउंड 20K का गैप है? तो भाई जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया तो मेरे हिसाब से तो इट इज़ वर्थ इट, बट अगर आपको नहीं लगता तो कोई बात नहीं, वर्जन 3 ले लो क्योंकि परफॉर्मेंस वगैरह सेम है, बस खाली कॉस्मेटिक फीचर्स इन सब का डिफरेंस है, बाकी इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। 4 इंडिकेटर कैसे ऑन करें बोलो? भाई अलग से मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, इसके अंदर वो फीचर नहीं आता जो FZS FI आती थी ना वर्जन 3 वाली, उसके अंदर भी FI वाले मॉडल में आता था यामाहा X कनेक्ट, तो उसके अंदर ऑन हो जाता था बट इसके अंदर नहीं होता, इसके लिए आपको अलग से मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। भाई बतनामा है, अच्छा बैठने में कंफर्टेबल कौन सा है, N150 और FZS? भाई देखो मैं तो यही कहूँगा क्योंकि एक तो राइडर के लिए भी अच्छी सिटिंग पोजिशन स्ट्रेट है, दूसरी चीज़ पिलियन के लिए भी ये काफ़ी कंफर्टेबल है, N150 में ना पिलियन ऑलमोस्ट आप लगाओ राइडर के ऊपर ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे झुकाव सा रहता है, ठीक है? क्योंकि N160 N150 की सिटिंग पोजिशन सेम है, तो बैठने में ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है उससे। क्या हम FZS वर्जन 4 में MT15 का हेडलाइट लगवा सकते हैं? भाई लग जाएगा बट जुगाड़ू काम होगा, पर लेकिन यार क्यों लगवाना है, उसके साथ में तो अच्छी भी नहीं लगेगी, इतना ब्रॉड टैंक और मुँह इतना पतला सा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो मत लगवाओ, बाकी लग जाएगा जुगाड़ से तो। हेलो भैया, मुझे FZS वर्जन 4 कलर आइस फ्लोर मिलियन दिवाली टाइम लेना है, क्या ये बाइक सही रहेगी? इसका सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगा ना? भाई देखो यामा का सर्विस मैं ये कहूँगा कंपेयर टू अदर ब्रांड्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अगर आप होंडा में मेंटेनेंस कराओगे
150 सीसी की, मेरे को लगा बकरी आ गई, 150 सीसी की, तो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ता है यामा से। बट यामा में ये है कि भले ही थोड़ी सी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि अभी इसका जो फर्स्ट मेंटेनेंस था उसका क्योंकि फ्री कूपन था तो वो काट के 800 रुपीज़ की हुई थी, ठीक है। होंडा में ये फिगर होता है 600-650 के आसपास, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100-150 का फ़र्क है। और अगर फ्री कूपन नहीं होगा आपके पास में फ्री सर्विस का, तो इसकी सर्विस जाएगी अराउंड 1500-1800 के आसपास, और होंडा वगैरह की इन ब्रांड्स की रहती है 1400-1300 के आसपास, तो ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में मैं आपको यामा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि भाई मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो इंजन से रिलेटेड और वैसे भी कोई यू नो पार्ट से रिलेटेड इसके अंदर इशूज़ ज़्यादा आते नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये सेम टू सेम इंजन पहले भी यूज़ किया है, मैं बताता हूँ। SZ थी मेरे पास में, तब तो पावर ज़्यादा आती थी इस वाले इंजन में, 153 सीसी था पहले, 149 हो गया ये, तो उसके अंदर भी कभी भी हमें कोई मेजर इशू नहीं आया। तो इसलिए भाई मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप ये ले लो, अगर आप दिवाली टाइम में ले रहे हो तो बढ़िया है। अभी तो शायद से 5000 रुपीज़ का कैशबैक का ऑफर भी चल रहा है कुछ कुछ डीलरशिप पे यामा SZS वर्जन 4 पे, तो अगर आपको लेनी है तो आप अभी ले सकते हैं। भाई आपने लोन पे लिया या फुल कैश? फुल कैश। तुम्हें शर्म है कुछ? शर्म आया है? आई प्रीफर यूनिकॉर्न नेक्स्ट मंथ बुकिंग। आई टेक टेस्ट राइड 150 सीसी सेगमेंट पल्सर 150 N150 N160 SZS वर्जन 4 RTR 160। ठीक है भाई, यूनिकॉर्न भी अच्छा है, बस थोड़े आउटडेटेड लुक्स लगते हैं मुझे उसके, इसलिए मेरे को इतनी यू नो अट्रैक्ट नहीं करती, बट इट इज़ ऑल्सो अ गुड बाइक, ठीक है। RTR 160 भाई मत लेना, हैंडलिंग और रिफाइनमेंट नॉट गुड, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो आपने करे हैं तो वेरी नाइस, अगर आपको यूनिकॉर्न अच्छी लग रही है गो फॉर इट, गुड बाइक, बस थोड़ा लुक्स पुराने से लगते हैं। रॉबिन्सन, सारा, टेलर, जेसन, ग्रेसिया की ग्रेसिया है पता नहीं, जॉर्ज, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। FZX में गियर पोजीशन इंडिकेटर है क्या? वेट कितना है? भाई FZX में गियर पोजीशन इंडिकेटर ना ही आता है, बिल्कुल नहीं आता है, ओके। एंड उसका वेट है 149 kg, ओके। उसके बाद में आता है भाई मुझे FZS वर्जन 4 लेना, बट मैं कलर में कंफ्यूज हूँ, कौन सा लू, ग्रे और ओनली ब्लैक, कौन सा लू मैं बाद में बाइक मॉडिफाइड करने वाला हूँ। भाई अगर आपको बाइक में मॉडिफिकेशन करना है ना तो गो फॉर ब्लैक, क्योंकि ब्लैक के अंदर के आपकी मॉडिफिकेशन आराम से हो जाएगी। अब इसमें ग्रे ब्लू है तो आप ज़्यादा कलर की मिक्सिंग नहीं कर सकते, अब इसमें रेड डाल दोगे तो बहुत गंदी लगेगी देखने में, है ना। तो आप ब्लैक लो, ब्लैक के अंदर मॉडिफिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में आता है भाई, और भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो लोग बोलते हैं पावर कम है, क्या करोगे ओवर पावर्ड बाइक का, इसमें ये बाइक नॉर्मल कम्यूटिंग के लिए है। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही समझो आप, कम्यूटर है ये, दिस इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स लेनी है भैया फिर कावासाकी लो, पल्सर NS 400 लो, बड़ी बड़ी इंजन की बाइक्स लो, कम्यूटर है, ठीक है। ऑफिस या कॉलेज आने जाना हो और थोड़ा स्पोर्टी नेकेड लुक चाहिए विथ माइलेज, मोटो जीपी तो खेलनी नहीं है, ओवर पावर बाइक से घर के काम वगैरह के लिए चाहिए बस, 70-80 में तो ये बाइक भी आराम से चली जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट भाई, क्या नाम है आपका, अल्फा रोमियो 456, ये भाई है जिन्होंने पूरी तरीके से समझाया कि भाई यामा FZS वर्जन 4 किन के लिए बनी है, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ भाई, अगर आपको पावर ओरिएंटेड चाहिए, अगर आपको भगानी है गाड़ी तो ये मत लो आप, बट अगर आपको रियल कंफर्ट चाहिए देन गो फॉर दिस, ओके। उसके बाद में आता है ब्रो प्लीज़ इस क्वेश्चन को वीडियो में ले लो, ले लिया भाई। क्या बाइक का प्लास्टिक मटेरियल टैंक वगैरह वाला न्यू मिल जाएगा क्या अगर डैमेज हुआ तो? कौन कौन सा पार्ट्स रिप्लेसेबल है, अश्योरेंस दे दो ऑडियंस को अगर पॉसिबल हो तो। भाई सारे पार्ट्स रिप्लेसेबल है, आपके कोई भी पार्ट अगर डैमेज होगा आप यामा में जाना, वो आपको मंगा के दे देंगे और फिर आपको फिट भी करके दे देंगे, ठीक है। अगर वो भी मतलब ये होता है कि वैसे तो मिल जाते हैं आराम से, अब जैसे मेरी स्कूटी है, ठीक है, अब ये तो 7 साल पुरानी है, काफ़ी पुरानी है, तो इसके अंदर भी मैंने पार्ट्स चेंज कराए थे, ठीक है। तो इसके पार्ट्स आने में लगे थे ऑलमोस्ट 7-8 दिन, उसके बाद में उन्होंने मुझे एक ही दिन में फिट करके दे दिए थे सारे। तो पार्ट्स आने में टाइम लगता है, अगर डीलरशिप के जो गोडाउन होता है उनका वेयर हाउस होता है अगर वहाँ अवेलेबल होंगे तो आपको 2-3 दिन में गाड़ी मिल जाएगी। बट अगर कोई ऐसा पार्ट है जो कॉमनली डैमेज नहीं होता, जैसे टैंक का पीस है, ये ज़्यादातर डैमेज होता नहीं है, मोस्टली क्या छोटी मोटी चीज़ें टूट जाती हैं, टैंक का ये पीस है क्योंकि यहाँ इम्पैक्ट बहुत रेयरली आता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वरना पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं इसके, क्योंकि अभी नई बाइक है, कोई इतनी पुरानी है भी नहीं। और अगर आप आफ्टर मार्केट भी लोगे तो भी आपको ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं, 1500 का डिफरेंस मिलेगा बस, ठीक है। अगर यामा में आपको ये टैंक का पीस मैंने पूछा था, इट वॉज 6800 समथिंग के आसपास कुछ था, और बाहर मैंने पता किया था वो 6200-6300 बता रहे, तो वही 500-700 का फ़र्क है। बट आपको आफ्टर मार्केट भी मिल जाएगा और ओरिजिनल भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़, बहुत लोग बोलते हैं भाई स्टिकर कहाँ से मिलेगा, भाई स्टिकर नहीं मिलता, ये टैंक के ऊपर लगा ही हुआ है। तो अगर आपका स्टिकर ख़राब हो गया तो अफसोस, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। अगर आफ्टर मार्केट आपको मिलता है तो लगवा लेना, बट ये स्टिकर पूरे टैंक के पीस के साथ ही आएगा, सो
और हाँ ये FZ वाला, ये मोनोक्रोम भी। उसके बाद आता है आपकी LED लाइट है बैक साइड, वो हिलती है क्या? थोड़ी मेरी हिल रही है। बाइक है 2 मंथ, 500 किलोमीटर चली है। भाई 500 किलोमीटर में लाइट हिल गई मेरी तो, मतलब हाँ यार हिलती तो है, मतलब ऐसे हिलाओ तो हिलती है, बट चलते हुए तो नहीं हिलती। नहीं हिलती ना, नहीं हिलती, क्योंकि वो अभी मेरे पीछे पीछे ही आया तो उसने देखी होगी। मतलब ऐसे ही हिलाओगे वो तो ऑब्वियस ही बात है यार, हिलेगी। अब मैं इंडिकेटर हिलाऊँ तो ये भी हिलेगा, ये हिलाऊँगा तो ये भी हिलेगा, ये हिलाऊँगा तो ये भी हिलेगा, फिर ये हिलाऊँगा तो हिलेगा तो सही, अगर आप हाथ से हिलाओगे, बट चलते हुए तो नहीं दिखता हिलता हुआ। ठीक है, एक्सट्रीम 125 या फिर FZS वर्जन 4 कौन सा लूँ? भाई भाई दोनों में से देखो, एक्सट्रीम 125 जो है अच्छी लगती है आगे से देखने में, नो डाउट, बट थोड़ी सी डिसप्रोपोर्शनेट सी लगती है। अभी मेरी बिल्डिंग में है ना एक बंदे ने नहीं ली है, ठीक है, अभी मैं उससे बात कर रहा हूँ, अगर उससे बात जम गई तो वीडियो भी बना लेंगे उसके ऊपर एक। ठीक है, तो वो आगे से तो उसकी जो हेडलाइट वाला पार्ट है ना, दैट इज़ वेरी ब्रॉड, मतलब ऐसा काफ़ी बड़ा सा लगता है उसका हेडलाइट का, बट पीछे आते आते ना यार वो पतली सी हो जाती है, तो मुझे थोड़ी सी डिसप्रोपोर्शनेट सी लगी। बाकी चलाने में कैसी क्या है वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ लुक वाइज इट इज़ गुड, और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इससे सस्ती है, और माइलेज भी आपको मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इतना ही देगी, वो 60-65 के आसपास दे देगी, तो नॉट मच डिफरेंस, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यामा ओवर हीरो। ठीक है भाई, सेकंड हैंड बाइक लेना है, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मंथली रनिंग 12 डेज, पर डे रनिंग 72 किलोमीटर, माइलेज भी और सीटिंग कंफर्ट चाहिए। FZS वर्जन 4 वर्सेस वर्जन 3 में कौन सा लेना चाहिए? बजट ज़्यादा नहीं है भाई, देखो मैं तो वर्जन 4 ही रिकमेंड करूँगा, बट अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो तो उसके अंदर आप पता नहीं आपको मिलेगी कि नहीं, बट अगर आपको दोनों मिल रही है और प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लगा लो 10-5 हज़ार रुपये है, तो भाई मैं आपको ये कहूँगा कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा डालो 5-10 हज़ार एंड टेक वर्जन 4। ठीक है, क्योंकि वर्जन 4 में फिर आपको फीचर्स वगैरह जैसे मैंने अभी शुरू में एक्सप्लेन किया था वीडियो के, वो सारी चीज़ें आ जाएगी, बट अगर आपको वर्जन 4 मिल ही नहीं रही है, ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है, जैसे वर्जन 3 आपको मिल रही है सेकंड हैंड 70-80 थाउजेंड में, और ये आपको मिल रही है 90-95 भी 1 लाख रुपये में, तो मैं आपको कहूँगा भाई फिर वर्जन 3 ले लो आप। माइलेज क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, बस खाली कॉस्मेटिक फीचर्स का फर्क है, और उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता, इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। उसके बाद में आता है, हाय टू थिंग्स वुड लाइक टू नो अबाउट द FZ विथ पिलियन, हाउ गुड इज इट ऑन क्विक ओवरटेकिंग इन सिटी कम्यूट, डज इट लैक पावर, हाउ इज द गियर शिफ्टिंग, इज देयर एनी इशूज अपशिफ्ट डाउन शिफ्ट, थैंक्स। भाई देखो विथ पिलियन पावर बहुत बढ़िया है, मेरा एक मोटो व्लॉग भी है उसका, वो है ना आपको मैं यहाँ पे वो दिखा दूंगा, उसके अंदर पिलियन बैठा था मेरे पीछे, तो जब मैंने इसको पुल किया था भाई बहुत ही एफर्टलेसली निकल जाती है। ठीक है, कम पावर है, हालांकि कम पावर तो है ही नहीं, कंप्यूटर के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ठीक है, ओवरटेकिंग में आप कितना करते हो, 40 पे हो गए, 40 से ज़्यादा आप चढ़ के 70-80 चले जाओगे ओवरटेकिंग के चक्कर में, अगर आप ट्रक को ओवरटेक करो और वो भी भगा रहा है तो। ठीक है, तो ओवरटेकिंग में कोई दिक्कत नहीं, पिलियन के साथ में भी परफॉर्मेंस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, बट नॉट एज मच कि यार आपको ऐसा लगे कि भाई पिलियन बैठ गया तो बिल्कुल ही ताकत ही नहीं लगा रही गाड़ी, तो उसकी दिक्कत नहीं है, और पिलियन कंफर्ट इज गुड। बस मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी यहां पे जो सीट है ना थोड़ी फ्लैट ज्यादा है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं थोड़ी सी कुशनिंग की कमी है पीछे पिलियन की साइड में, तो मैंने तो कवर के नीचे फोम की शीट लगवा रखी है, तो उस वजह से इसकी कुशनिंग जो है वो बहुत बढ़िया हो गई है, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि जब आप लो तो जो यामा के तरफ से ये कवर आता है ना, ये वाला ये ओरिजिनल यामा का, ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मिलता है आपके ऑन रोड प्राइस में इंक्लूडेड रहता है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कहाँ से लगवाया, भाई ये ओरिजिनल है। ठीक है, इसके नीचे आप किसी भी सीट कवर वाले की दुकान पर जाओगे ना, वो आपको इसके नीचे फोम की शीट सिल के दे देगा, अब वो आपकी मर्ज़ी आप कितनी मोटी लगाओ कितनी सॉफ्ट लगाओ, दैट इज़ योर चॉइस, तो उससे इसके पिलियन कंफर्ट तो बढ़ जाएगा और भाई राइडर कंफर्ट तो आहा मजा आ जाता है। ठीक है, हाँ, और गियर शिफ्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो शुरुआत में जब तक इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई थी ना तो डाउन शिफ्ट में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि तब तक मुझे इतना पता नहीं था। इसके अंदर क्या है कि आप अगर स्पीड के साथ साथ ग्रेजुअली गियर डाउन करो ना तो स्मूथली हो जाते हैं, बट मान लो अगर आप 40 चल रहे हो ऑन फोर्थ गियर और फिर आप इमरजेंसी ब्रेक मारते हो 0 पे तो फिर इसके गियर अटक जाते हैं, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे ये दबा रखा है आपने, जैसे नीचे डाउन किया इसको हल्का सा इतना छोड़ोगे फिर टक करके एकदम से नीचे जाता है, तो ये इसके अंदर तब दिक्कत आ रही थी जब तक इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई थी। ठीक है, फर्स्ट सर्विस हुई उसके बाद में दिक्कत चली गई, फिर जैसी सेकंड सर्विस का टाइम आया फिर थोड़ी थोड़ी वापस आनी स्टार्ट हो गई, फिर जब सेकंड सर्विस हुई इसकी उसके बाद में फिर अब तक मुझे वो दिक्कत नहीं आई है, बट अगर अभी इसकी वापस आएगी तो फिर मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर जरूर करूंगा। उसके बाद में लिखा है ओवर प्राइस बाय, यार ओवर प्राइस कैसे यार, इतनी बढ़िया गाड़ी है, मतलब हाँ मतलब 1,60,000 की थोड़ी महंगी है 150 cc के हिसाब से, बट क्वालिटी देखो ना ब्रो, यामा, इट्स यामा। खैर हाँ, ये चीज़ है भाई कि यामा के प्रोडक्ट्स हैं ना थोड़े से ओवर प्राइज्ड मुझे भी फील होते हैं, बट अब क्या करें, एक बार कोई यामा चला लेता है फिर दूसरी गाड़ी चलाने का मन नहीं करता, प्रॉब्लम ये है। अब हालांकि मैं तो सिर्फ स्कूटी चलाई थी शुरुआत में, यामा की बाइक तो बहुत बाद में चलाई है मैंने, बट एक बार चला ली थी फिर मैं कह यार यामा ही लेनी है, पावर तो क्या करना है, हमने कौन सी भगानी है। लेकिन वो भाई का कमेंट सही था, कौन सी मोटो GP में भगानी है, मैंने सिटी में चलानी है,
तो इसलिए एक बार चला लोगे ना अभी हम, आपका मन ही नहीं करेगा कुछ और चलाने का। इवन होंडा से बेटर हैंडलिंग है इसकी, ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने होंडा की महंगी से सस्ती सारी बाइक चलाई है। शाइन भी चलाई है मैंने, मैंने उसकी हॉर्नेट भी चलाई है, वो तो मैंने आपको बताया था जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, हॉर्नेट भी चलाई है मैंने, ठीक है। और उसके बाद में उसकी वो वाली भी चलाई है, कौन सी आती है वो 300 cc की बाइक आती है ना, कौन सी आती है, CB300F जो आती है, वो बुलेट वाली टाइप की 300 FE है ना शायद उसका, 300 FE 350 FE पता नहीं वो वाली तो। बट हैंडलिंग का जो मज़ा इसके अंदर है ना, वो और किसी कंपनी में नहीं है एक्सेप्ट कावासाकी। कावासाकी एंड यामार ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल। लेग गार्ड कहाँ से लिया और कितने का भाई, लिंक शेयर कर दो ब्रो। भाई ये उसके साथ में आया था बाइक के साथ में, तो इसलिए अब इसका प्राइस मेरे ख्याल से जब उन्होंने मुझे बताया था इट वॉज समथिंग शायद 1150 के आसपास ना, 1100-1200 के आसपास था, पर ये ऑन रोड प्राइस में इंक्लूडेड ही रहता है। अगर आप इसको हटवा भी दोगे ना तो फिर आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा, बट ज़्यादा महंगा नहीं है। बट अगर आपको ये नहीं लगवाना, लोग ऐसा लगवाते हैं, ऐसा इतना बड़ा बड़ा आता है वो, यहाँ तक ऐसे पोल्स आते हैं उसके, जब मैं इसकी सेकंड सर्विस के लिए गया था तब देखे थे मैंने, तो लोग वो भी लगवाते हैं, तो आप वो भी लगवा सकते हो। वो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर है, बट वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगता है, इसलिए मुझे इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वो लगवाया नहीं, ठीक है भाई। उसके बाद में आता है मिनिमम 16 BHP पावर देना चाहिए था, स्पीड गेन करती है लेकिन वो पंच नहीं मिलता, फील नहीं आता, थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा भाई। हाँ भाई थोड़ी सी पावर, मैं भी यही बोलता हूँ, जो मेरी पिछली वीडियो थी टॉप 5 नेगेटिव वाली, उसके अंदर भी मैंने यही कहा था कि यार पावर का अपडेट देना चाहिए यामा को, क्योंकि पावर की यार कमी तो लगती है, बट इतनी नहीं लगती, पर हाँ जो पंच एक्सपेक्ट आप करते हो ना कि पूरा थ्रॉटल दो और जितनी इंजन आवाज़ करता है उतनी स्पीड प्रोड्यूस करके नहीं दे पाता, ये मेन चीज़ है, इसलिए थोड़ा और लैक लगता है, ठीक है। इसलिए ऐसा लगता है कि यार पावर कम है, क्योंकि जितनी आवाज़ करता है ना इंजन उतने लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं देता पुल में, ये दिक्कत है बस। भाई अप्रैल में लिया था वर्जन 4, जब से लिया है तब से 60+ जाते ही वाइब्रेशन बहुत आ रहा है, सर्विस सेंटर भी दिखाए तो बोल रहे हैं कि सही है, और दोस्ते की अच्छा दोस्त की सेम वर्जन चला रहे हैं तो सही चल रही है, क्या करें अब भाई। देखो 60 के ऊपर, देखो 70 से लेके 85 तक तो मेरी भी वाइब्रेट करती है, उसके बाद में चली जाती है वाइब्रेशन, पता नहीं क्या मैजिक है इस गाड़ी का कि कोई कोई ऐसी स्पीड लिमिट होगी जहाँ पे वाइब्रेशन करती है, मेरी 75 से 80 या 70 से 85 के आसपास जाती है ना तो वाइब्रेट करने लगती है, ये चीज़ फुटपैक पे बढ़िया वाली वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, 85 क्रॉस करती वाइब्रेशन चली जाती है, पता नहीं क्या है ये, ठीक है। और अगर आपकी कर रही है तो यार एक बार किसी और सर्विस सेंटर पे दिखा दो, कभी कभी क्या होता है कोई सर्विस सेंटर ऐसा नया होता है तो वो इतना प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर नहीं पाते हैं, जो कोई अगर पुरानी डीलरशिप होगी जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है तो वहाँ पे क्या है अच्छे और एक्सपीरियंस और ट्रेंड मैकेनिक्स होते हैं तो वो आपकी और बेटर हेल्प कर देंगे। PPF के कंडीशन पे बनाओ भाई, PPF के कंडीशन पे बनाओ। ओके गाइस, तो PPF की हालत की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखोगे यहां पे बिल्कुल सीमलेस है, ठीक है, कोई भी एस सच प्रॉब्लम है नहीं यहां पे, बट जो थोड़ी सी दिक्कत आई है वो आई है यहां पे, ठीक है। अब ये तो मैंने इसके ऊपर टेप लगा रखी है, अब यहां पे क्या है पैर लगता रहता है ना तो ये ऐसे करके यहां से निकल गया था, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना कोई गंदा सा अंदर ही निकल गया था, तो ये एक चीज़ है कि ये भाई थोड़ा ऐसे साइड में निकल जाता है, तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल तो टेप लगा रखी है, हालांकि बहुत ही भद्दा दिख रहा है ये, बट अभी उन्होंने बोला था कि भाई इसको एक साल के अंदर अंदर हम निकलवा लेना, तो अभी मैंने मार्च में जैसे कराया था PPF, तो फिर उसके बाद में मैं इसको फरवरी या जनवरी में निकलवा दूंगा, ठीक है। और ये देखो इस तरीके से निकल रहा था, जैसे यहां से निकल रहा है ना, ये दिख रहा है, ये देखो ये निकल रहा है PPF, ऐसा ही निकल रहा था ये वहां से भी, ठीक है। PPF नहीं है, दिस इज़ लेमिनेशन, ठीक है, दिस इज़ नॉट PPF। सर लोकेशन कैसे ट्रैक करें भाई, ये सिर्फ आपकी लास्ट पार्क लोकेशन दिखाता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपका मान लो बेटा आपका बाइक लेके गया और आप फ़ोन पे ट्रैक कर रहे हो कि कहाँ कहाँ घूम रही है बाइक, वो चीज़ नहीं होगी आपके। जैसे मान लो इस फ़ोन के अंदर यामा वाई कनेक्ट ऐप है, आपने इसे कनेक्ट की, लास्ट आपने इसको मान लो कोई मॉल की पार्किंग है, आप मॉल गए वहाँ पे आपने खड़ी करी, ठीक है, और उसके बाद में आपने इसको कनेक्ट नहीं किया, तो लास्ट ये मॉल के पार्किंग में कनेक्टेड थी तो ये लास्ट लोकेशन दिखाएगा जहाँ पे कनेक्टेड थी, ठीक है। मान लो आप सड़क पे चल रहे हो, बीच में आपने ऐप बंद कर दी तो वहीं की लोकेशन दिखाएगा जी यहाँ पे बाइक है, तो ऐसा लाइव लोकेशन नहीं दिखाता है कि मैं, मेरे को लग रहा है किसी के पापा ही हैं अंकल जी ऐसे ना करो, पर हाँ तो वो चीज़ नहीं होती है इसके अंदर कि आपका बेटा बाइक लेके जा रहा है और आप ऐसे करके ट्रैक कर रहे हो। पनवाड़ी अच्छा बुक स्टोर है, ओके, तो ये चीज़ नहीं होगी इसके अंदर। भाई ये बाइक गियर में चालू होती है क्या या न्यूट्रल ही करनी पड़ती है? भाई गियर में चालू हो जाती है, अभी फिलहाल न्यूट्रल है ये, ठीक है, हो गई। गियर डलता नहीं है इसमें बंद होने के बाद में, ठीक है, फर्स्ट गियर डाला बंद करी और चालू हो जाएगी इसके अंदर भी, बस क्लच दबाना पड़ेगा ऑब्वियसली, हो जाती है चालू, बिना क्लच दबाए नहीं होगी, ठीक है, क्लच नहीं दबाऊंगा ना मैं तो चालू नहीं होगी क्योंकि स्टैंड पे लगी हुई है, ठीक है।
नहीं, वो एक्चुअली स्टैंड वाला सिस्टम नहीं है, वो क्लच दबानी पड़ता है, छोड़ो। ठीक है, अगला क्या है, इस डिजिटल मीटर इज़ वाटर प्रूफ और नॉट? भाई ऑब्वियसली इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट, क्योंकि बारिश में भी तो बाइक चलेगी, तो वाटर रेजिस्टेंट है, बढ़िया। भाई मैंने दूसरी सिटी से ली है, बट ये अच्छा, ये वो शोरूम वाले, हाँ ये मैंने आपको कमेंट पढ़ा था भाई, वैसे तो मैं सारी पढ़ता हूँ पर मुझे ये याद था। हाँ तो ये हो सकता है, क्योंकि अब ये मैं खुद करता हूँ, जिस डीलरशिप से मैंने परचेज़ करी थी वहाँ पे तो मैं कराता नहीं सर्विस, मैं दूसरी में कराता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी यामा की डीलरशिप में जाके आराम से सर्विस करा सकते हैं अपनी बाइक की। ठीक है, चाहे वो फ्री सर्विस हो चाहे वो पेड सर्विस हो, वो हो जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ब्रो प्लीज़ मुझे एक बात बताओ, इस बाइक का हेडलाइट को एडजस्ट कैसे करें? मैंने बाइक का हेडलाइट डिपर रहेगा फिर भी वो ऊपर जैसा लगता है, अभी बताते हैं भाई। गाइस तो भाई यार इसके हेडलाइट कैसे सेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये आपको छेद दिख रहा है इसके अंदर, आपको वो दिख रहा है सामने, वो जिसके ऐसे दांत से निकले हुए हैं आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबा वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है, ठीक है, उसको प्लस वाली साइड कौन सी होती है वो तो पता ही है मतलब, ठीक है, तो उसको आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ना, तो फिर इसका लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही सेट करा था इसको, और जब मैं सेट करा के लाया था तब मैंने देखा था, तो जब मैंने सेट कराया था मुझे ऐसा लग रहा था यार अभी भी थोड़ा और ऊपर है, तो फिर मैंने खुद सेट किया था। ठीक है, तो आप इसको टाइट या लूज़ करोगे ना तो ये सेट हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको इस तरफ भी मिलती है और ये चीज़ आपको दूसरी साइड में मिलती है। ठीक है, ये यहाँ पे भी है, तो है ये एक ही, बस दोनों तरफ छेद दे रखे हैं ताकि आप इसको आराम से कर लो। तो गाइस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और साथ ही कमेंट्स में मुझे बताना कि भैया आपके और क्या क्या क्वेश्चंस है, और मैं वैसे तो देखो ऑलमोस्ट तुरंत रिप्लाई दे ही देता हूँ द सेम डे, बट कभी कभी थोड़ा रह जाता है, और यार पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप आ गया, ऑलमोस्ट 12 से 14 दिन का, 2 हफ्तों का गैप आ गया, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। एक्चुअली अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं, अभी आज क्या तारीख आज 18 तारीख है, 23 या 24 को मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं बीच में आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं कहा यार वीडियो तो एक जानी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम वापस से रेगुलर हो जाएंगे, मेरा एक बार एग्ज़ाम खत्म होना हो जाने दो, उसके बाद में वी विल स्टार्ट पोस्टिंग रेगुलरली, जैसे मैं हर 4th डे डाल देता हूँ वीडियो, सो वो रेगुलरिटी वापस से आ जाएगी। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद पीपल हु ओन FZS Version 4 या जो इसको लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल FZS के कंटेंट से भरा पड़ा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।